गोरखपुर। गोरखपुर कायस्थ पार्टी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक रविवार को केंद्रीय कार्यालय पर संपन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी को वार्ड स्तर पर गठित किया जाएगा तथा पूरे प्रदेश में पार्टी का संगठन खड़ा किया जाएगा। इस बैठक में प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव को राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज को अपने को कायस्थ कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्हें कायस्थ समाज के महापुरुषों के आदर्शों को अपनाते हुए समाज में पुनः अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रमन श्रीवास्तव ने महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव को राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने संपन्न हुए महासम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गोरखलाल श्रीवास्तव ने कायस्थ पार्टी को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करने और इसे ऊंचाइयों पर ले जाने का आश्वासन दिया। नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। बैठक को प्रमुख रूप से व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। लोक गायिका श्रीमती सारिका श्रीवास्तव ने पार्टी से महिलाओं को जोड़ने की अपील की। बैठक में प्रमुख रूप से अरुण श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, गौतम लाल, संदेश सामंत, जितेंद्र श्रीवास्तव, अमरेश श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, फूलचंद श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, धीरज श्रीवास्तव, मुकेश चंद श्रीवास्तव, रमन अस्थाना समेत अनेक लोगों की सहभागिता रही। प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से विस्तार से बात की। कायस्थ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपनी एवं पार्टी की प्राथमिकता को बताया। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हमारे साथ प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, जो अभी कायस्थ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब को आज उनके जन्मदिन है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो आप राष्ट्रीय महासचिव बने हैं कायस्थ पार्टी के, कायस्थ पार्टी का कायस्थों के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, जिनकी प्राथमिकता को लेकर के आपने इस पार्टी में आप इन्वॉल्व हुए हैं या पार्टी का जो निर्माण हुआ है? देखिए, हम सभी क्या हैं पहले ये जानने की आवश्यकता है। हम तीर तलवार की जगह कलम अपनाते हैं, चित्रगुप्त के वंशज है, कायस्थ कहलाते हैं। देखिए, समाज में एक जमाने से कायस्थों की भूमिका अहम रही है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें सामाजिक और राजनीतिक पहचान में कमी आती जा रही है। सभी पार्टियां हमें इस्तेमाल करती हैं, इस्तेमाल करने के पश्चात वह किनारे कर देती हैं। जिस प्रकार सिगरेट पीने के बाद लोग इस्तेमाल करने के बाद पैरों तले रौंद देते हैं, मेरा तो मानना है कि आप नशा बनो, इस्तेमाल करने वाले दुश्मन पागल हो जाए। कायस्थ पार्टी का उद्देश्य है एक सामाजिक राजनीतिक पहचान देना, और इसीलिए हम लोग बहुत ही शीघ्र कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि कायस्थ पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जाए चुनाव आयोग में। यह प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे इसकी एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले कल में एक अपनी पहचान देगी। गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में कायस्थों की कई इकाइयाँ काम कर रही हैं। उन इकाइयों के बीच में एक नई पार्टी कायस्थ पार्टी का गठन करना और उसका राजनीतिक रूप में ले जाना कहाँ तक जस्टिफाइड है? देखिए, तमाम इकाइयाँ कार्य कर रही हैं, सभी इकाइयों का उद्देश्य एक ही है। जितनी भी कायस्थ से संबंधित इकाइयाँ काम कर रही हैं, उनका सभी का उद्देश्य यह है सामाजिक उत्थान, बच्चों में ज्ञान की वृद्धि की जाए और एक समरसता समाज में कायम किया जाए, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही है। लेकिन समय, परिस्थितियाँ
आदमी को मजबूर करता है सोचने के लिए क्या राजनीतिक पहचान की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि एक ज़माना था कि कास्तों के बगैर राजनीतिक पार्टियां नहीं चल पाती थी। राजेंद्र प्रसाद को याद करें, लाल बहादुर शास्त्री को याद करें, राजेंद्र प्रसाद को याद करें, जयप्रकाश नारायण को याद करें, इन्होंने सामाजिक क्रांति लाया और भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाया। लेकिन अन्य पार्टियों में कास्ट की भूमिका धीरे धीरे ख़त्म होती गई। पुनः उसी शौर्य को, उसी पहचान को वापस लाने की एक मुहिम कास्ट पार्टी चला रही है। अभी गोरखपुर में मेयर कायस्थ हुआ है, तो क्या बीजेपी कायस्थ मेयर दे करके कायस्थों के वोट को सीधने में लगी हुई है? आपको ये पते की बात बताएं, लंबे अरसों के बाद एक मेयर पद इधर हासिल हुआ है। यह स्वतः नहीं मिला है, कोई उपहार नहीं दिया गया है, काफ़ी संघर्ष किया गया कि कायस्थों को भी एक पहचान बने, तब पार्टी ने इसको सीख दिया, अन्यथा ये भी जाने वाला था हाथ से। अतः संघर्ष ही मनुष्य को एक पहचान देता है और पार्टी भी संघर्ष करेगी सतत। ये पार्टी के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को, अध्यक्ष जी का भी सोच है कि हम लोग अपनी एक पहचान देकर समाज में उत्थान लाएं और विकास करें, यही सोच है पार्टी। क्या ये कायस्थ पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेगी? ये किसी पार्टी की बी टीम नहीं होगी, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह सपा हो, चाहे बसपा हो, यह अपनी एक पहचान देगी और जो हमारी विचारधाराओं से तालमेल रखेगा उनको स्वागत करेगी, यही सोच है। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या आपकी कायस्थ पार्टी किसी उम्मीदवार को खड़ा करेगी यूपी के अंदर, स्पेशली गोरखपुर के अंदर? अभी इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन प्रयास तो रहेगा। अगर हम उस स्थिति में, हालात में आ जाएं, तो इस पर विचार करके हम लोग इस पर सोच रहे हैं। एक लंबे समय के बाद सुनील शास्त्री जब यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उसके बाद एक बड़ा लंबा गैप रहा है जी। तब से लेकर के अब तक कोई कायस्थ विधायक नहीं बना है और इस बार लोकसभा का इलेक्शन है और यहाँ की सीट परंपरागत मंदिर की सीट कहलाती है जी, तो क्या उसके खिलाफ कायस्थ एकजुट होकर के खड़े होंगे? कायस्थ में अगर पार्टी है, विचारधाराएं हैं, अगर सहमति बनती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम सामाजिक व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे और वह अपनी पहचान देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गोरखपुर के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं, जैसे प्रेमचंद, रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी, उनके लिए आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, कास्ट पार्टी का विचार है कि जो इस गोरखपुर से, पूर्वांचल से जितनी महान भूतियाँ हुई हैं, मनीषी हुए हैं, उनको एक पहचान दी जाए। इसके लिए जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बड़े श्रद्धा और प्रेम से हर बिरादरी के लोग लेते हैं, तो मेरी ये पार्टी की सोच है कि मुंशी प्रेमचंद के संबंधित एक स्मारक बनाई जाए, उनसे संबंधित जितनी उन्होंने कहानियाँ, पुस्तकें लिखी, उनको एक लाइब्रेरी बनाया जाए जो बृहद रूप से सारी सुविधाओं से संपन्न हो, ताकि हर कोई उसमें जाकर उनकी विचारधारा को समझे और समाज में उत्थान की दिशा में कार्य करे और हर वर्ग उसे लाभान्वित हो। इसी प्रकार फिराक गोरखपुरी, जो कि यही जुबली के प्रोडक्ट रहे हैं अपने शहर के, और हालांकि अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, लेकिन उन्होंने उर्दू साहित्य की दिशा में एक ऐसा पहचान दिया जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी पुस्तकें गुले नगमा, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, आप हजारों लोग से पूछें तो उसमें से दो चार लोग उस पुस्तक का नाम जानते होंगे। तो मेरी पार्टी की सोच है कि उनसे भी संबंधित एक पुस्तक, बेहतर पुस्तकालय उनको समर्पित किया जाए, ताकि यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र छात्राएं, लोग उनकी विचारधारा, उनके ज्ञान से ज्ञान की गंगा में प्रवाहित होकर आनंद लें, ये एक सोच है पार्टी की। ये डिमांड आप किससे कर रहे हैं? हमारी ये डिमांड प्रशासन सभी वर्ग से होगा, हमारी पार्टी प्रशासन से भी करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी करेगी, कि यहाँ पर गोरखपुर में जितने भी लोग संत हैं, विद्वान हैं, उनके लिए एक अलग
व्यवस्था बनाई जाए ताकि यहाँ की जनता लाभ ले सके। गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो कायस्थ हैं वो तो खुद ही अर्थ रूप से सक्षम है, विद्या रूप से सक्षम है, तो वो खुद ही इस कार्य को कर सकते हैं और एक माइलस्टोन खड़ा कर सकते हैं सरकार के सामने। निश्चित आपका कहना बिल्कुल सही है, ये प्रयास चल रहा है हम लोग, लेकिन अगर 100 समुद्र नदियों में थोड़ी सी पानी और मिला दिया जाए, चाहे कहा जा सकता है कि अगर सभी का सहयोग रहेगा, सरकार का भी सहयोग रहे, यहाँ की जनता का भी सहयोग रहे, तो निश्चित वह कार्य अद्वितीय होगा। इसलिए मेरी मंशा है या पार्टी की सोच है कि अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अगर शासन प्रशासन भी सहयोग करता है तो बेहतर होगा और इसकी पहचान न कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में बनेगी, इसी उद्देश्य से शासन प्रशासन से भी मांग रहेगी। अंत में एक बार फिर हमारे चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी को भी धन्यवाद इस नेक कार्य के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।